बड़ी खबर है देहरादून से। मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने निर्देश दिए हैं जैविक कूड़े का किया जाएगा विकेंद्रीय कंपोस्टिंग। सभी सरकारी कॉलोनियों में किया जाएगा विकेंद्रित कंपोस्टिंग। शहरी विकास विभाग के सचिव होंगे नोडल अधिकारी। तो सरकारी कॉलोनियों से विकेंद्रित कंपोस्टिंग की शुरुआत की जाएगी। सभी सरकारी कॉलोनियों में अब विकेंद्रित कंपोस्टिंग होगा। शहरी विकास विभाग के सचिव होंगे नोडल अधिकारी और इसको लेकर तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं ताकि जैविक कूड़े का निवारण किया जा सके और आसपास बढ़ती हुई गंदगी से निजात दिलाने के लिए अब एक कदम उठाया गया है। जैविक कूड़े का विकेंद्रित कंपोस्टिंग किया जाएगा और इसी को लेकर शुरुआत की जाएगी सरकारी कॉलोनियों से। वहां का कूड़ा इकट्ठा करके उसको विकेंद्रित कंपोस्ट किया जाएगा और इसमें शहरी विकास विभाग के सचिव होंगे नोडल अधिकारी। तो मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने निर्देश दिए हैं देहरादून में। जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राज शफात अली। जी राज शफात अली, जिस तरीके से ये निर्देश दिए गए हैं विकेंद्रित कंपोस्टिंग होगा, क्या इसका फायदा होगा और किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ी खास अहम मीटिंग है क्योंकि देखिए कूड़ा इस वक्त बड़ी समस्या बनता जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, और जैविक और अजैविक दो कूड़े होते हैं लेकिन अभी भी लोगों को समझ नहीं है, फर्क नहीं किस तरह से इनको अलग अलग किया जाए। तो देखा यह जाता है कि अक्सर जो जैविक और अजैविक कूड़ा है उनको मिला दिया जाता है, लेकिन अब इसकी शुरुआत की जा रही है सरकारी कॉलोनी से। मुख्य सचिव जो है उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो सरकारी कॉलोनियां हैं वहां पर जो जैविक कूड़ा है उसका निस्तारण किया जाएगा विकेंद्रित करके, यानी उस कूड़े को जो जैविक कूड़ा होता है उसको अलग से रखा जाएगा और जो अजैविक कूड़ा होता है उसको अलग से रखा जाएगा। वैसे तो नियमावली है, देखिए शहरी विकास निस्तारण के लिए कि 2016 में नियमावली बनी थी लेकिन उसके हिसाब से कोई भी होटल, कोई भी रेस्टोरेंट या कोई भी कॉलोनी नहीं चलती है। लेकिन अब ये एक अच्छी शुरुआत है क्योंकि जो शहरी विकास सचिव होंगे वो इसके नोडल अधिकारी होंगे और तमाम जो मॉनिटरिंग है वो मॉनिटरिंग की जाएगी इसकी, यानी जैविक और अजैविक कूड़े को किस तरह से निस्तारण किया जाए और उसके ठोस तरीके से उसके प्रबंधन क्या हो ये देखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैविक और अजैविक कूड़े को अलग अलग पहले ही किया जाएगा, उसी के लिए ये शुरुआत की जाएगी और सरकारी कॉलोनियों से इसे शुरू किया जाएगा।